शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के किसान पिछले 3 महीने से प्याज की गिरती कीमतों से संकट में थे। हालात ये हो गए थे कि किसानों को प्याज फेंकना पड़ा या मुफ्त में बांटना पड़ा। प्याज की खेती में लागत अधिक है, लेकिन किसानों को रेट सिर्फ 75 पैसे से लेकर 1 रुपए किलो तक मिल रहे थे। खेतों से मंडी में उपज ले जाने तक का पैसा अपने जेब से लगाना पड़ रहा था। जिन किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा है, वे अपने प्याज स्टॉक करके रख रहे हैं। ज्यादातर किसानों के पास प्याज स्टोरेज की सुविधाएं नहीं होने के कारण उन्हें कम कीमतों में प्याज बेचना पड़ा। इस साल पहली बार प्याज की कीमतों में लगातार 3 महीनों तक गिरावट बनी रही, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज 16 रुपए से 17 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। महाराष्ट्र की सभी मंडियों में अब प्याज की कीमतों में धीरे धीरे कुछ बढ़ोतरी हुई है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक रायगढ़ मंडी में 13 जून को प्याज के न्यूनतम दाम 1600 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम दाम 1800 रुपए क्विंटल। वहीं अहमदनगर में न्यूनतम दाम 1400 रुपए और अधिकतम दाम 2000 रुपए प्रति क्विंटल था। 14 जून की बात करें तो पुणे की चिंचवाड़ी मंडी में न्यूनतम दाम 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम दाम 2110 रुपए प्रति क्विंटल था। प्याज की कीमतों में अब सुधार देख किसान खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने में कि इसकी कीमतों में और सुधार होगा। वहीं महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि इस समय प्याज की कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी पिछले साल के मुकाबले प्रति किलो 10 रुपए कम रेट किसानों को मिल रहा है। अभी जो रेट बढ़ा है, ये किसानों की लागत से कम ही है। किसानों का कहना है कि जब प्याज का दाम 30 रुपए प्रति किलो पर आ जाएगा, तब जाकर असल में राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार को प्याज के बीजों का दाम कम करना चाहिए, क्योंकि प्याज की खेती में लागत बढ़ रही है, लेकिन दाम कभी स्थिर नहीं रहते। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण पिछले 3 महीनों से प्याज की अधिक आवक रही है। हालांकि बाजार में मांग कम होने के कारण प्याज की कीमतों में दिन प्रतिदिन गिरावट जारी रही, जिसके चलते किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पाए। हालात ये हो गए थे कि कुछ किसानों ने प्याज की खेती ही बंद कर दी, कुछ किसानों ने गुस्से में अपनी उपज जानवरों को खिला दी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बारिश के मौसम में प्याज के दामों में सुधार होगा, क्योंकि मॉनसून के दौरान प्याज की आवक कम हो जाती है। भंडारण की सुविधा वाले किसान ही मंडी में प्याज बेच पाते हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।